नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल, आपका स्वागत करता हूं फ्री क्लासेज में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर करवा रहा हूं, जिसमें हमने एलिमेंट्री अलजेब्रा बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर किया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। यदि आप लोगों को और प्रैक्टिस सेट के लिए रिगार्डिंग उससे कुछ क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा सकता हूं प्रैक्टिस सेट। आप उसके लिए कॉमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर कॉमेंट जरूर कर दें। तो आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसके आगे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कल का जो रिवीजन कर लेते हैं वो एक क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन के साथ। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, यह क्वेश्चन में दिया हुआ, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। और जहां पर थीटा प्लस 36 डिग्री, थीटा प्लस 36 डिग्री कोई एक्यूट एंगल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने बताया था जैसा कि साइन थीटा वन इक्वल टू कोस थीटा टू कब हो सकता है, जब थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो यहाँ से क्या हो गया, टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, या थीटा इक्वल टू 54 अपॉन 2 इक्वल टू 27 डिग्री, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कोट 18 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 22 डिग्री इंटू 10 72 डिग्री, क्लियर है। तो हमें बताना है यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। कोट 18 डिग्री को एच वेल एज लिख सकते हैं, जैसा का जैसा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर 68 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री, क्या ऐसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर 22 डिग्री को, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेन वन अपॉन टेन 72 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोट 72 डिग्री, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों अब क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों वाले टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे तो वो देखते हैं। कोट 18 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री, कॉमन निकालिया कोट 72 डिग्री, यहाँ पर जाएगा कोस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री। ये क्या, ये तो वन ही है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे यदि हम ये देखेंगे तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 68 डिग्री क्या हो जाएगा, वन होगा, ये वन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कोट 18 डिग्री इंटू कोट 72 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, इंटू वन, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल टू वन। ये कल वाले फॉर्मूले से जो कल जो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला का लिस्ट प्रोवाइड किया था वहाँ से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या, हमें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए इक्वल टू 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए। अब ये कैसे होता है देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। कोस स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ से इस वाले से कोस स्क्वायर कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, या ऐसे में सर कोस ए इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या कोस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब कोस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए आ गई, यहाँ पे मैं रख देता हूँ कोस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, या यहाँ पर इस वाले टर्म में कोस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए साइन स्क्वायर ए का कोस का कोस ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 ए प्लस साइन की पावर 4 ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया।
इस पर ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें, हम जो करेंगे कंटिन्यू आगे अपने इसी लेक्चर में, ठीक है। अब देखते हैं, एक और फॉर्मूला बनता है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 ए इक्वल टू 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 4 ए, यह भी फॉर्मूला होता है हमारा। ये सब फॉर्मूले हमें याद रखना, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं इसको प्रूफ कर देने में। और क्या फॉर्मूला हो सकता है? अच्छा एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा आज का? एग्जांपल ये है कि कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, तो हमें बताना है कि कुछ फॉर्म दिए हुए हैं वो बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, और 1 माइनस 2 साइन 2 कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, इन चारों की वैल्यू बतानी हमें, क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा को मैं सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी, ऐसा देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी। ये क्या, ये वन है, ये वन ही तो है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी आ जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू पी। तो एक ये वाला फॉर्म तो प्रूव हो गया, इसकी वैल्यू भी पी ही होगी, सेम वैल्यू होगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू पी। सिमिलरली यहाँ से हम फिर से इसे कंटिन्यू करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी। यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी, एक और पी आ गया आंसर हमारा में, ये भी आ गया। अब ये वाला करना है, सिमिलरली हम ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो हमने जो ये वाला प्रूफ किया, ये वाला इस वाले फॉर्म को यहाँ पे लाते हैं, इसमें से माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस पी, ये भी हमारा चौथा वाला आ गया, क्लियर है। तो ये चारों फॉर्मूले हैं, ये याद रखना, एक बेसिक फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आर आर बी। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फॉर्मूले और हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये फॉर्मूले अभी जो बताने वाला हूँ सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बता रहा हूँ अभी, अब बताऊँगा। ए साइन थीटा, इसे ध्यान रखना क्लियर, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ, तो हमें बताना है कि बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट याद कर लेना, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल हमारा, एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल क्या है हमारा, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 5 है, तो आपको बताना कि 5 कोस थीटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हमें मालूम है सर कुछ नहीं, या प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू प्लस माइनस 3 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं बीच में, नए नए क्वेश्चन, पुराने सिलेबस को भी रिविजन करते रहना चाहिए ना। साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू कोस 6x माइनस 3,
इक्वल टू, या ये दिया हुआ, तो यहाँ हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये बताना हमें। मालूम है साइन थीटा वन इक्वल टू कोस थीटा टू कब हो सकता है, जब थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 12, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिग्री बाय 60। तो यहाँ से हो जाएगा 9x इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 9 हो जाएगा, गलती हो गया यहाँ पे। तो ये x इक्वल टू 99 डिग्री अपॉन 9 इक्वल टू 11 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं कुछ और फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले में वो डिवीजन करवा देता हूँ आज, कुछ फॉर्मूले और है वो याद रखना आप लोगों को, फॉर्मूले में बता देता हूँ बस, उसके बाद कल करेंगे क्वेश्चन उस पर। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या, साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा इंटू साइन फोर थीटा इक्वल टू 1/4 साइन थ्री थीटा। ऐसा करते हैं कल ही फॉर्मूले को करते हैं, ठीक है कल ही से करते हैं, बस आज ये फॉर्मूला हो गया आज के लिए, ये काफ़ी है। बस एक इस पर रिविजन, एक इस जो फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर दें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। हमें क्वेश्चन दिया हमें कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, ये दिया हुआ हमें। तो हमें पूछ रहा है बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस जो ये जो फॉर्म है साइन, जैसे ये हम पे साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा इंटू साइन फोर थीटा होता है, यदि दिया हो तो हमें 1/4 साइन थ्री थीटा, हमें ये क्वेश्चन मिल गया, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या करना हमें, कुछ नहीं करना सर, 1/4 साइन थ्री थीटा। अब हमें देखना ये वाला फॉर्म इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये थीटा की वैल्यू यदि 10 डिग्री हो रही है तो 2 थीटा 20 डिग्री हो जाएगा, 4 थीटा 40 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/4 साइन थ्री थीटा यानी साइन थ्री इंटू 10 डिग्री इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आज के लिए, तो बाकी कल करते हैं। थैंक यू।